सांसद शशि थरूर ने किया विक्का किताब का विमोचन। किताब के विमोचन के मौके पर सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने कहा कि रश्मि की किताब पढ़ने को मजबूर करती है। अपने लेखन में रश्मि ओबेरॉय ने कहा कि विक्का मानस उपचार, जादू टूना और मंत्र और जादुई जादू के विदेशी अभ्यास के गहरे ज्ञान को प्रदर्शित करती है। पाठक को अगरबत्ती से भरे गद के एक विस्मयकारी चक्रव्यूह के माध्यम से ले जाया जाता है जो आपकी इंद्रियों पर हमला करेगा, जैसे कि आप शारीरिक रूप से उसकी वेदी के पास हैं। इस मौके पर सलमान खुर्शीद सांसद उपस्थित रहे। उन्होंने भी पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा की। लेखक रश्मि ओबेरॉय ने कहा कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर इसका विक्का और विकान प्रथाओं के लिए एक हैंडबुक और गाइड के रूप में संरचित किया है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों के विपरीत जो जटिल मंत्र प्रदान करती है, मैंने सरल युक्तियों का उपयोग किया है कि कैसे अपने वित्त रिश्तों को बेहतर बनाया जाए, बाधाओं को दूर किया जाए और अपने चक्रों और प्रभा मंडल को फिर से सक्रिय और साफ करके खुद को ठीक किया जाए। ओम बुक्स इंटरनेशनल के प्रकाशक अजय मागो कहते हैं, जिस तरह से रश्मि ने विक्का की दुनिया को सरल आम आदमी की शर्तों में तोड़ दिया है वह मुझे पसंद है। वह इसे सुलभ बनाती है। इन सबसे ऊपर वह अभ्यास की उपचार शक्ति की बात करती है। हमारे पास पहले से ही कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक इसके लिए अनुवाद अधिकार मांग रहे हैं। हमारे हाथ में एक बेस्ट सेलर है। ओम बुक्स इंटरनेशनल के एडिटर इन चीफ शांतनु रे चौधरी कहते हैं, मुझे विश्वास है कि बहुत से पाठक मेरे विचारों को प्रतिध्वनित करेंगे। नफीसा अली अभिनेता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि रश्मि की किताब शिक्षाप्रद होने के साथ साथ पढ़ने में बहुत रोचक लगती है। उन्होंने विस्कॉन परंपरा के रहस्यों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। संदीप बामजई, लेखक सीओ और एमडी आईएएनएसएस ने कहा कि एक बहुत अच्छी तरह से लिखा गया ग्रंथ जिसमें रश्मि विक्का के उपचारात्मक पहलुओं को सामने लाता है, निश्चित रूप से अवश्य पढ़ें। रश्मि ने मोटे तौर पर 3 दशक पहले ग्राहकों के लिए टैरो कार्ड के माध्यम से भविष्यवाणियां करना शुरू किया था, जब भारत में टैरो को भविष्यवाणी की कला के रूप में नहीं जाना जाता था। रास्ते में उसने जीवन के विकांत तरीके को सीखा जो अपने और अपने ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य संबंधों से लेकर वित्तीय मुद्दों तक की इच्छाओं और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए सकारात्मक मंत्रों का अभ्यास कर रहा है। उसने औपचारिक रूप से विक्का के धर्म और शिल्प का अध्ययन किया। वह शमनिक, प्राणिक, क्रिस्टल और चक्र उपचार का अभ्यास करती है। आज रश्मि एक निपुण विस्कॉन टैरो कार्ड रीडर है। वहीं जी टीवी पर साप्ताहिक कार्यक्रम में भी दिखाई देती हैं। किताब में मैंने बताया है, सिखाया है सिंपल तरीके से कि आप अपना मैजिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप मैजिक अपना कैसे बना सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है अपनी विशेष को, आपको विशेष को ट्रू लाना है, तो आप कैसे अपने सिंपल टिप्स जो मैंने दी हैं उससे आप खुद भी कर सकते हैं एंड दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, अपना मैजिक भी कर सकते हैं। सही कहा आपने, मैजिक लिखने में होता है। और जैसे डॉक्टर करुण ने कहा, टेलिंग अ टेल इज मैजिक इटसेल्फ। और इसी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत जो है, इंडिया इज द लैंड ऑफ सीकर्स नॉट ऑफ रिलीजन, देयरफॉर यू हैव टू सीक योर ओन मैजिक एंड रश्मि इज मेकिंग मैजिक विद द बुक एंड आई थिंक एवरी इंडियन मस्ट रीड दिस बुक सो दैट यू नो हाउ टू बेटर योर ओन सर्कमस्टेंसेस एंड नेविगेट योर लाइफ। रश्मि के बारे में मैं क्या बोलूं? आप यहाँ पर आए हैं, हमने बुक लॉन्च करी मैजिकल जो मतलब उनके लिए बोलने के लिए सब प्रयास में है, इसलिए मैंने कहा मैं उनके लिए क्या बोलूं क्या ना बोलूं। उनकी किताब भी पढ़ी है और मैं उनको अदरवाइज भी जानती हूँ। कई लोग किताबें तो लिखते हैं, लिखवा लेते हैं, उनका अपना पर्सनल कोई उससे तजुर्बा नहीं होता, लेकिन ये यूनिक राइटर है, तजुर्बे के साथ लिख रही है, खुद रिटन है और जो जो वो लिख रही है वो मैं उसको आत्मसात कर पाई क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। बहुत अच्छी किताब तो है ही, साथ में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है रीडर में कि वो उनका जो प्रोफेशन भी है या उनकी हॉबी भी है, उनका ये एक एक इंग्लिश है अपने इस हुनर से वो क्या है। इन इंडिया आई थिंक एक्सक्लूसिव काम करते हैं कि कहते हैं कि चिराग का कोई घर नहीं होता। ये ऐसे चिराग हैं, चिराग का कोई घर नहीं होता, जहां जाएगा उजाला करेगा। तो और इनको एक शेर और याद आ रहा है, जाओ सूरज से कह दो कि गिल्ले वो अपनी किरणें, जाओ सूरज से कह दो कि गिल्ले वो अपनी किरणें, सलमान खुर्शीद आ गए सभी के हर सर्रे को चमकाने। तो
दिल्ली से बीसीएन न्यूज के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।